गणपति बप्पा मोरिया, गणपति उत्सव आ रहा है। एक कथानक बड़ा छोटा सा, एक जिसे कहा जाए बड़ा रोचक, बड़ा एक जैसे कहा जाए हमारे और आपके जीवन में जो नियमित होता है वो मैं प्रसंग आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक बिटिया बैठी है मंदिर के, अपने घर के मंदिर के बाहर में, दम से उसको कहीं से आवाज सुनाई देती है, बिटिया जरा सुनो। वो चौंकने जाती है, कौन बोला, इधर उधर दिखती है, तुरंत पुनः आवाज कहती है, बेटा मैं गणपति बस आने वाला हूं, तुम अभी मुझे लाने वाले हो। एकदम से चौंक जाती है, बिल्कुल चौंक करके कहते हैं ये गणपति बप्पा बोल रहे हैं। बहरहाल कहते हाँ बताइए। बप्पा कहते हैं ऐसा है बेटा, मुझे ना सोने की दूरबा चाहिए, ना कीमती पोशाक चाहिए, ना माला चाहिए, मुझे एक काम करना, तुम्हारे पीछे जो बगीचा है, गार्डन है, वहां से मिट्टी उठा लेना, गोल मटोल तो मैं हुई तो किसी भी आकार का मुझे बना करके रख देना, अपने स्थापित कर देना, और विसर्जन भी जब करो तो मुझे अपने घर के गलियारे में ही कर देना। ना मैं नियमित व्यंजन चाहता हूं, ना मैं विभिन्न प्रकार के भोग चाहता हूं, बस मेरा यही है भाव है कि तुम्हारा जो भाव मेरे प्रति है, स्नेह भाव है, वैसा ही रहे और वैसा ही मेरा विसर्जन हो। मैं जब यहां विसर्जन भी यदि तुम करोगे, जब यहां करोगे, तो मैं तुम्हारे यहां ही वास करूंगा, मैं यहां से कहीं जा नहीं पाऊंगा। तो एक संदेश है ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, कि अब गणपति उत्सव आने वाला है, गणेश उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना चाहिए कि उत्सव का आयोजन, जैसे उस समय में जब गणेश उत्सव जब प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो उसका उद्देश्य था देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही उद्देश्य को ध्यान रखते हो, किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान रखते हो। विगत कई वर्षों से अब चूंकि नदियों में जल नहीं रहा है, तो विसर्जन की प्रथा जो है वो एक कुंड बना करके कर दी जाती है, उसमें भी अपूर्ण रूप से जो है हम लोग विसर्जन करते हैं। हम लोग उत्सव तो बहुत मनाते हैं, नित नए नए जिसे कहा जाए अपने जो हमारा मेन्यू कार्ड चलता है, रोज हम लोग व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं, खूब उत्साह उल्लास करते हैं, एक प्रकार से ऐसा भाव रहता है जैसे हमारे घर में बच्चा आया है। मगर जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सारी मर्यादाओं को हम लोग, जो मर्यादा है विसर्जन करने की, उनका ध्यान ना रखते हुए किसी भी प्रकार से विसर्जन कराते हैं। अधिकतर विसर्जन जो है वो इतनी गंदे तरीके से होता है कि बड़ा दुख होता है देख देख करके। और ये ध्यान रखिए, अभी कोविड काल निकल के चुका है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमने और आप लोगों ने देखी है समाज में, कि हमारे अपनों को दाह संस्कार के लिए भी काफी जैसे कहा जाए विलंब सहना पड़ा। तो अगर ये देवत्व है कहीं भी है, आप ये सोचिए, जिनको हम अपना बच्चा समझ करके लेकर आते हैं, घर में पधराते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं, उनका हम लोग, अगर वो कहीं भी तत्व है, जीव तत्व यदि उसमें रहता है, उसके उपरांत पूजा अर्चना करने के बाद में हम जिस तरीके से विसर्जन करते हैं, तो वैसा ही परिणाम हमको आज भोगना पड़ा। हमारे परिचित, हमारे जानकार, हमारे परिजन, कई लोगों को, कई परिवारों में ये स्थितियां रहीं कि उनका ढंग से प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। तो हमको कई सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और मेरा पुनः पुनः आग्रह है कि भाव रखना बहुत ज़रूरी है। जिस भाव से हम गणपति स्थापित करते हैं, उसी भाव से विसर्जन भी करें। और इसका विधि विधान बड़ा सरल भी है। हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी जब कोई पूजा कार्य करा जाता है तो सुपाड़ी के भी गणेश जी बनाए जाते हैं, मिट्टी के डेले पे भी कलावा लगा करके गणेश जी बनाए जाते हैं। तो किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य आचार्य से विधि विधान को करवाएं, खूब उत्सव मनाएं, खूब हर्षोल्लास से मनाएं, मगर मर्यादा का और देवत्व का ध्यान रखें। तो पुनः पुनः गणेश उत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल मूर्ति मंगल में लाएं, अपने जीवन में मंगल कार्य हो, तो बहुत बहुत पुनः पुनः शुभाशीष यहाँ बाबा के दरबार से। गणपति महाराज सदैव प्रसन्न व स्वस्थ रखें, शुभकामनाएं।